बिग बॉस के सेट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, क्या सलमान खान होस्ट नहीं करेंगे और आखिर कब से वो शो को अलविदा कह देंगे, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूज। जैसा कि बिग बॉस का मतलब ही सलमान खान, अगर सलमान खान नहीं है तो हम बिग बॉस देखना ही नहीं पसंद करेंगे, यानी कि यहाँ पर बिग बॉस इज इक्वल टू सलमान खान। लेकिन अब बिग बॉस की सेट से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि सलमान खान अब शो को जल्द ही होस्ट करना बंद कर देंगे। सवाल उठता है कि कब। आपको बता दें कि जो है ये वीकेंड के वार को तो शूट कर ही रहे हैं, इसके बाद दो और वीकेंड के वार को शूट करेंगे, यानी कि 10 जनवरी तक वो नजर आएंगे। उसके बाद अब जो है एक और दो वीकेंड का वार बच जाएगा जिसमें वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन ग्रैंड फिनाले में वो जरूर नजर आएंगे। ग्रैंड फिनाले शूट वही करेंगे, लेकिन ये है कि भाई सलमान खान मिनिमम एक और मैक्सिमम दो हफ्ते नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये कमिटमेंट दे दी थी और जिसके चलते उनके पास वर्कलोड ज्यादा है, जिसके चलते वो शूट नहीं कर सकते हैं वीकेंड के वार को, और इसीलिए यहाँ पर उनको रिप्लेस करेंगे करण जौहर। हालांकि अभी बीच में भी हुआ था तो करण जौहर ने काफी अच्छा काम किया था और अब एक बार फिर से करण जौहर को मौका मिलेगा। हालांकि सलमान खान ये पहली बार नहीं है जो वीकेंड के वार पर, कई वीकेंड के वार पर गायब नजर आते हैं, पहले भी कई सारे सीजन्स में हो चुके हैं, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है और जो ग्रैंड फिनाले होगा उस पर सलमान खान ही नजर आने वाले हैं। हालांकि शो को एक्सटेंड कर दिया गया वर्ल्ड कप के चलते, ये शो काफी लेट स्टार्ट हुआ जिसके चलते यहाँ पर जो है जनवरी अंत में ग्रैंड फिनाले रखा गया है, और अगर शो को नहीं मेकर्स बढ़ाना चाहते थे तो ऐसे में ये शो 1-2 जनवरी को ही खत्म हो चुका होता, लेकिन वर्ल्ड कप के चलते ये शो को एक्सटेंड कर गया और जिसके चलते सलमान के पास जो है वक्त नहीं है, जिसके चलते वो शूट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल 10 जनवरी तक तो सलमान खान नजर आएंगे आपको, और हो सकता है उसके बाद भी एक और वीकेंड के बाद पर नजर आ जाए, लेकिन उसके बाद सलमान नजर नहीं आएंगे, सीधे सीधे ग्रैंड फिनाले में नजर आएंगे। तो क्या कहना है इस पर आपको, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।